नहीं 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 नबील खूबसूरत क्या हुआ मत पूछो क्यों ना पूछूं मैं तुम्हारी बीवी हूँ बताओ कैसे बताऊं कोई डरावना ख्वाब देखा क्या बहुत डरावना खूबसूरत बहुत क्या देखा मैं नहीं बता सकता नबील बताओ ना तुम्हें मेरी कसम बताओ खूबसूरत मैंने देखा हाँ कि मुझे नौकरी मिल गई है व्हाट तुम्हें भी बुरा लगा ना बहुत ज्यादा शुक्र है मेरे अल्लाह ये ख्वाब ही था मोहल्ले वाले बैल बजा के छेड़ दे मुझे मैंने तो कभी जवानी में परवाह नहीं की इन बैलों की जाहल सादिया बैल तूने बजाई थी खूबसूरत बैल खूबसूरत ने बजाई थी माँ जी मेरा नाम खूबसूरत है इसका मतलब है कि बैल तूने बजाई थी बच्चू कौन सी बैल जो अभी बज रही थी वो वाली बैल माँ जी दरवाजे की बैल नहीं बज रही थी फोन की बज रही थी तो तूने उठाया क्यों नहीं मैं मुंह धो रही थी किसका अपना और किसका तो दिल से बोल देती नबील हाँ नबील उससे बोल देती मुंह धोने के लिए नहीं फोन उठाने के लिए माँ जी नबील अंदर सो रहा है उठा आप खुद उठाए मैं नहीं उठा रही ले फिर मैं भी नहीं उठाती तो कह रही थी मैं नहीं उठाऊंगी मैं नबील की बात कर रही थी माँ जी लेकिन बाजे तो फोन रहा था हेलो दादी जान कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्या कब रियली आप मजाक तो नहीं कर रही दादी जान मैं बहुत खुश हूँ ओके किसका फोन था मेरी दादी का तेरे खानदान में मरने का रिवाज नहीं है ये लाइन कुछ सुनी सुनी सी लग रही है कोई नरेटर ने रिपीट कर दी होगी मैंने बिल को बता क्या उसको पता है वो उसका दोस्त है ना राइटर ये भी इसका बाप भी जिंदा है तो बाप की माँ भी जिंदा है तो फिर इसकी माँ को क्या मौत पड़ गई थी मरने की नबील क्या हुआ मेरी दादी आ रही है तुम्हारी दादी हाँ तुम्हारी दादी कहाँ से आ रही है आई नहीं है आ रही है कनाडा से कहाँ हमारे घर इसका मतलब है जानू तुम 2-3 महीने के लिए अपने घर जा रही हो नबील वो यहाँ आ रही है हमारे घर खूबसूरत मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों को पालने के लिए नहीं लिया था ये घर जिसको देखो मुंह उठा के चला आता है नबील ये घर मेरे पापा ने दिया है हाँ मैंने तो लिया है ना बोलो अपनी दादी को कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की तुम मेरी दादी को जानते नहीं हो नबील मैंने जानना भी नहीं है करोड़ पति औरत है वो तो मैं क्या करूँ अगर वो किसी से खुश हो जाए ना तो उसकी किस्मत बदल जाती है बड़ी आई किस्मत बदलने वाली हाँ हाँ करोड़ 2 करोड़ तो हमारे रिश्तेदारों में बांट चुकी है तो हो सकता है कि वो हमसे खुश हो के ये घर हमें खरीद दे कब आ रही है मेरी प्यारी दादी जान जल्दी ऐसे क्या देख रही है कभी खूबसूरत औरत नहीं देखी क्या आप कौन तुझे दूरबीन लगाकर भी दिखाई नहीं दे रहा है? ये दूरबीन नहीं है चश्मा है तो तुझे चश्मे में मैं दिखाई नहीं दे रही लेकिन आपने तो चश्मा नहीं पहना बा ओह माय गॉड जाओ मालकन को बोलो मैं आई हूँ आप यहाँ काम ढूंढने आई हैं हमें काम वाली नहीं चाहिए मैं तुझे काम वाली लगती हूँ मैं मलका हूँ मलका समझी अच्छा तो पहले डांस करके तो दिखाओ क्या बकवास कर रही है मैं डांस क्यों करूं नारकली तो करती थी ओह स्टूपिड वो कनीज थी हाय नारकली नहीं थी दादी ओह माय डार्लिंग खबरदार मुझे दादी बोला तो हटाओ ये
मेरी मेरी पोती है, मुझे दादी कह रही है। What? कैसी हैं आप? Good to see you. खूबसूरत, कितनी बदतमीज नौकरानी रखी हुई है तुम। आप अंदर चलो। बदतमीज, मुझे बार बंद करके ये क्या समझती है? मैं किचन की खिड़की टप के भी जा सकती हूँ, और एक बार ये हो ट्राई कर लू। देखो कौन आए। पता नहीं, हो सकता पड़ोसियों की हो। क्या आया? नबील मेरी दादी है। दादी जान, मेरे हमउम्र होके मेरे से गले मिलने की कोशिश मत करना प्लीज। नहीं नहीं दादी, ये मेरे शौहर हैं। ये मेरे वो हैं। तुम दोनों ने एक आदमी से शादी की हुई है? नहीं दादी, मेरे शौहर ये हैं नबील। मेरे शौहर ये हैं वो महमूद। जाओ जाओ जल्दी खोलो, जाके जल्दी खोलो इनको। ओ दरवाजे को। इस वक्त कौन हो सकता है? मेरा सामान होगा। ये आपके सामान ने बेल बजाई है? अपने बाप से कहो मुझसे ज्यादा छिछोरपन करने की कोशिश मत करे। मैं इसका शौहर हूँ, मैं देखता हूँ। देखने की क्या जरूरत है नबील, तुम्हें तो पता है। ओहो महमूद साहब, मैं दरवाजे में देखता हूँ कौन है यार। ये सब सामान में से निकले हैं? आप क्या रुमाल में से कबूतर भी निकालती हैं? Shut up. लो पकड़ो। दादी इतने सारे सूटकेस? आप क्या संडे मार्केट में खोखा लगाती हैं? हाँ बेटा, कनाडा में असल में बहुत बड़ा बिजनेस था, मैंने सब कुछ वाइंड अप कर दिया और मेरी सारी जिंदगी की कमाई अब इसके अंदर है, और अब सोच रही हूँ कि यहाँ कारोबार। महमूद साहब आए, जरा लॉन में चले। क्यों, कुछ सामान और रह गया? ओ मेरी बात तो सुने आए। महमूद साहब, क्या आपने देखा तुम्हारी माँ का मुंह? नहीं यार, सूटकेस। हाँ, उसमें क्या होगा नबील? डॉलर्स होंगे यार महमूद साहब, इतने सारे। हाँ महमूद साहब, इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, आज रात को ही लेके भाग जाते हैं। दादी को? सूटकेसों को। महमूद साहब, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को एक दफा नहीं काटना यार। हाय, वो औरत मुर्गी है, इसीलिए तो मैं बोलूँ इतनी कड़क क्यों है। कड़क? हाँ, वही। महमूद साहब, हमें दादी का दिल जीतना है यार। कैसे? दादी को खुश करके। मोमो, मोमो। पता नहीं दादी जान। खूबसूरत, मुझे ये औरत ठीक कैरेक्टर की नहीं लगती है, और या फिर इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। मैं तो आपको खुश कर रही थी। नाम क्या है इसका? मुमताज। ओ माय गॉड, कैसा मर्दों वाला नाम है। हाँ जी, ये मर्दी हैं। मैं तेरी बात कर रही हूँ। हाँ, ये मेरे ही मर्द हैं। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली है। हाँ जी बिल्कुल खाली है, आप ऊपर रहेंगी। चुप कर। कैसी बात है दादी, दबा आपको रहा हूँ, सुकून मुझे मिल रहा है। नहीं, आराम आराम से दबाओगे तो सुकून ही मिलेगा ना, जोर से दबाओ। ओह माय गॉड, कितने मर्दाना हाथ हैं। आपके? तेरे। हैं? जब भी तो मैं कहूँ अपना हाथ पकड़ती हूँ तो गुदगुदियाँ क्यों होने लगती हैं? और चुप कर। तालीम कितनी है तुम्हारी? 8 क्लास तक पढ़ा है जी। तुमने सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है? हाँ जी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ रही हूँ। वो दादी जान, मैंने मास्टर किया हुआ है। मास्टर्स? किस चीज में? टेलरिंग में। महमूद साहब, तुम क्या करते हो? इन्हें पेंशन मिलती है दादी जान। किस चीज की पेंशन मिलती है? क्या गालिब का नवासा है? तुम काम काज क्यों नहीं करते? दादी जान, बेसिकली मेरा जो माइंड है ना वो बिजनेस का है, कारोबार ही करूंगा। क्या मरने के बाद करोगे? जी। पहले नौकरी करो, नौकरी
उसके बाद कारोबार हो सकता है कोई। हाँ, इतनी आसानी से दादी जान कारोबार नहीं करवा कर देंगी, पहले नौकरी करनी होगी बच्चू। नौकरी तो जानू मैं यूं कर लूंगा। 2 दिन का टाइम दे रही है तुझे, ठीक है? चल भाई नहारी बना। ये नहारी बनाने के लिए 2 दिन का टाइम कुछ ज्यादा नहीं है? ओह माय गॉड, 2 दिन का टाइम मैं तुम दोनों को नौकरी ढूंढने के लिए दे रही हूँ। क्या क्या? महमूद साहब, दादी को दिखाने के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी यार। क्यों? हो सकता है वो हमें चेक करना चाहती हूँ कि हम कितने मेहनती हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? किससे? चल शरीर कहेगी। महमूद साहब, वही अपनी उम्र भर की पूंजी लेके आई है, हो सकता है कि हमें कोई कारोबार करवाना चाहती हूँ। हाँ भाई, नारी बन गई है, यही ले आओ। आप यहाँ नहारी खाएंगी जुलेखा बाजी? मलका। मलका खाएंगी? बकवास बंद कर और नहारी ला के यहाँ डाइनिंग पे रख। पहले यहाँ डाइनिंग रखना पड़ेगी। हाँ तो रखी भी तो है, दिखाई नहीं देता। क्या लेकर आ जल्दी खाना अपना नबील? दादी मैं यहाँ हूँ। हाँ नबील, मैं ये कह रही थी कि जरा ये जो एसी है इसको जरा हल्का करो भाई, सर्दी सी लग रही है कुछ है। मुझे लगता है दिखाई नहीं देता। मसरूर? मसरूर तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। महमूद साहब। हाँ हाँ महमूद, मुझे लगता है वो दिखाई नहीं देता। क्या? माँ जी ठीक कह रही है महमूद साहब, मुझे लगता है दादी को रात में दिखाई नहीं देता। अरे तो इसमें खुश होने की क्या बात है? हमें नौकरी मिल गई है और मैं खुश भी रहा हूँ। नौकरी? हाँ महमूद साहब, नौकरी। दादी जान, दादी जान मुबारक हो। किस बात की मुबारक? इसको वो मिल गई है। वो क्या? वो जो कभी इसे मिली ही नहीं थी। इज्जत? नहीं वो। अरे क्या वो? नौकरी दादी? हाँ हाँ दादी, इसको दादी मिल गई है। माँ जी नौकरी? हाँ नौकरी मिल गई है। नबील तुम्हें नौकरी मिल गई, तुमने मुझे बताया नहीं। जानू जब तक हमें आइडिया आया था तुम सो गई थी। व्हाट? अरे दादी जान मिठाई तो खाए ना भाई। मुबारक हो तुम्हें, बहुत मुबारक हो। अब मुझे भी नौकरी मिल गई है। तुम्हारी मिठाई कहाँ है? नबील मेरी मिठाई कहाँ है? महमूद साहब आपकी? आपकी ये रही। अरे ये मिठाई है या दांत दर्द की दवाई? कैसी जॉब है? रात की जॉब है दादी जान। हम रात को जाया करेंगे और सुबह सवेरे आ जाया करेंगे। भाई मिली कहाँ है नौकरी? लो जी ये तो हमने डिसाइड ही नहीं किया था। माँ जी रेस्टोरेंट में जॉब मिली है, जब बंद हो जाएगा रेस्टोरेंट तो हिसाब किताब चेक करना है। और तुम्हें? मैं ये चेक करूँगा कि ये हिसाब किताब ठीक करता है या नहीं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ जी दोनों ने संभाल लिया। क्या? घर का खर्चा। खूबसूरत बेटा अब तो खुश है ना, मैंने सब ठीक कर दिया। जी दादी। आज के बाद से वो दोनों जाएंगे नौकरी पर, तेरी सास पकाएगी खाना और तू करेगी ऐश। यस आई लव इट। अच्छा अब बस, अब अंदर चलते हैं, लॉन में ठंड है। अब दादी जान हम लॉन में नहीं है, लाउंज में बैठे हैं। अच्छा दादी जान हम जा रहे हैं। अच्छा कहाँ? नौकरी पे, अब सुबह ही आएंगे। नबील? नहीं खूबसूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे रोकोगी नहीं, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। अच्छा दादी जान दुआ कीजिएगा, आज जॉब का पहला दिन है। ये इधर इधर मुझे प्यार दे दीजिए। मुझे भी, मैं भी इधर ही हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज दादी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इतना बड़ा झूठ नबील। जिस झूठ से किसी की जान बच जाए वो झूठ सच से बेहतर होता है खूबसूरत। अच्छा इस झूठ से किसकी जान बच रही है? मेरी जानो। बड़ी घटिया इंसान हो वैसे तुम नबील। खूबसूरत। खूबसूरत जी दादी। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो कुछ नहीं दादी, पता नहीं वो तकलीफ है थोड़ी। आवाज में? नहीं नहीं गले में। अच्छा तुझे रात को अकेले डर तो नहीं लगेगा? दादी मैं अकेली कहाँ हूँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप है ना मेरे साथ। अच्छा चल चल जरा खूबसूरत बेटा मुझे जरा टीवी खोल दे, मैं थोड़ी देर जरा टीवी देखूंगी। दादी टीवी तो खुला है। हाँ मुझे तो पता है टीवी खुला है,
मैं तो तुझे चेक कर रही थी कि तुझे पता है कि नहीं पता। अच्छा चल बहुत गलत जगह पर दरवाजा बनाया है। थैंक यू जानी, थैंक यू वेरी मच। बात मत करना मुझसे। नौकरी की वजह से आप हम लोग जल्दी कमरे में आ जाया करेंगे। कौन लोग? हम लोग मोमो हैं। एक बात तो बताएं नैयर। कौन नैयर? नैयर इजाज। ओहो मेरा नाम महमूद है, नैयर इजाज तो बड़े मुंह वाला है। हैं? हाँ। तो आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तुमसे बातें कर रहा हूँ जादू। बताए न्याज। न्याज कौन? तुम्हारा नाम तो मुमताज है। हाँ मुमताज को ना नींद नहीं आ रही। चलो फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे पास सो जाती हूँ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई गाए जाए जलता जा। यार बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। से तो पता था कि हम बाकी नौकरी कर लेते। यार महमूद साहब मैं चार दिन से नहीं सोया यार। मैं ऐसे नहीं रह सकता भाई, मैं भी ऐसे नहीं रह सकता। तो चलो फिर दादी को बता देते कि हम नौकरी छोड़ आए हैं। नबील, महमूद, नबील। दादी आपने सुन लिया? सुन नहीं देख लिया। एक ही बात है, मैंने देख लिया कि तुम लोग वाकई बहुत मेहनती हो और आज से तुम दोनों नौकरी पर नहीं जाओगे। क्या? लेकिन दादी हमें तो बहुत मजा आ रहा था जॉब पे। क्यों महमूद साहब? नहीं देखा आपने? देखो मैंने फैसला कर लिया कि मैं इन सूटकेसेस में जो भी जमा पूंजी लाई हूँ उनसे तुम दोनों कारोबार करोगे। क्या? नहीं दादी। नहीं? हाँ दादी, मेरा मतलब क्यों नहीं। चलो जाओ सूटकेसेस लेकर आओ। महमूद साहब लॉटरी निकलेगा इस वजह से। चलो दादी इनमें तो कपड़े। हाँ बेटा, असल में कनाडा में ये कोई नहीं खरीद रहा था और वहाँ पे सिलाई कढ़ाई करके गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। है जी? हाँ, अब यहाँ ये कपड़े तुम लोग बेचना। आप यहाँ शॉप खोलेंगी? अरे बेटा शॉप के पैसे कहाँ है मेरे पास। तो फिर हम इन्हें बेचेंगे कैसे? भाई तुम दोनों घर घर जाओगे और बेचोगे। क्या? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं।